नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिंकी सिंह। पेश है रात 10 बजे तक की बड़ी खबरें। सबसे पहले खबरें राज्यों से जुड़ी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, सफेद झूठ बोल रहे अमित शाह, जानबूझकर बंगाल की निराशाजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं। राज्य का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हुए कहा, विकास के मामलों में बाकी राज्यों से आगे है बंगाल। कोथाई छिलें 34 বছর মানে 11 বছর আগে একবার এসেছেন বাংলায় দেখেছেন চেহারাটা কি ছিল আর আজকে সারা বাংলা ঝকঝক চকচক করছে দেখেও বুঝি ঈর্ষা কাতর হয়ে এই সব কথাগুলো বলছেন। সত্যি কথা বলুন, আমার কোনো আপত্তি নেই। সত্যি কথা না বললে কিন্তু প্রত্যেকটা কথাই চ্যালেঞ্জ হবে। বেঙ্গল ইজ নাম্বার ওয়ান ইন ইরাডিকেশন অফ পভার্টি। শুনতে পাচ্ছেন, দারিদ্র দূরীকরণ ক্ষেত্রে বাংলা এক নম্বরে ইন ইন্ডিয়া, এবং এগুলো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের রেকর্ড অনুযায়ী। जनवरी में हावड़ा में गृह मंत्री अमित शाह की सभा, कई बड़े नेता हो सकते हैं शामिल। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर फिर बंगाल आएंगे शाह। भाजपा सांसद व प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौमित्रो खां ने भेजी तलाक की नोटिस। पत्नी सुजाता मंडल खां को बताया झगड़ालू, कहा पद पाने के लिए करती थी झगड़ा, मुझ पर करती थी सख्त। मंगलवार को शुभेंदु अधिकारी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष का हाथ पकड़कर मंच पर चढ़े और कहा, मैं धोखेबाज नहीं हूं। शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा नेता के तौर पर बर्दवान के केतु ग्राम में पहली सभा को संबोधित किया। 99 साल लोकसभा निर्वाचन तृणमूल कांग्रेस संगे कारा से दिन भारत बर्षेर प्रधानमंत्री भारत रत्न प्रयात अटल बिहारी वाजपेयी তিনি যদি তৃণমূল কংগ্রেসকে আশ্রয় না দিতেন, সেদিন যদি লালকৃষ্ণ আদবানী তৃণমূল কংগ্রেসকে আশ্রয় না দিতেন, এই পার্টিটা 2001 সালের আগে উঠে চলে যেত। राज्य सचिवालय नवान्नो में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई और एक बार फिर से चार मंत्री बैठक में नहीं पहुंचे। इनमें हावड़ा डोमजूर से विधायक व मंत्री राजीव बनर्जी, चंद्रनाथ सिन्हा, नॉर्थ बंगाल से गौतम देव तथा रविन्द्रनाथ घोष शामिल हैं। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक, विशेषज्ञ दे रहे हैं जागरूक रहने की सलाह। जोड़ासा को हत्याकांड में ड्राइवर गिरफ्तार, मृतिका जेबुन ने 15 दिन पहले काम से निकाला था अभियुक्त को। पुलिस के अनुसार अभियुक्त ने जेबुन की हत्या करने की बात भी कबूल कर ली है। मानिकतला थाना अंतर्गत ईएम बाईपास स्थित पुरवासा हाउसिंग के निकट बस्ती में आग लग गई। आग में 30 से 35 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंचे राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम व दमकल मंत्री सुजीत बोस। दमकल देख रहा है, हो सकता है शॉर्ट सर्किट से हो, वो अंदर में अभी फायर अरेस्ट हो गया और स्प्रेड नहीं होगा, जितना है वो अभी एकदम पूरा कंट्रोल में है। मेरा दमकल मंत्री सुजीत बोस भी अंदर में है, तो अभी सिचुएशन अंदर कंट्रोल है। फायर ब्रिगेड चारों तरफ से घुस गया। कितना झोपड़ी जल चुके हैं अभी? वो अभी जायजा नहीं हुआ, थोड़ा लाइट आने दीजिए क्योंकि अंधेरा है ना चारों तरफ, तो वो देख ले रहे हम लोग, मगर काफी झोपड़ी जल चुका है। देश दुनिया से जुड़ी खबरें। ब्रिटेन से नया कोरोना आने का डर, लंदन से आए ब्रिटिश नागरिक समेत 11 लोग संक्रमित मिले। नए स्ट्रेन की जांच के लिए सैंपल रिसर्च सेंटर भेजे गए। नए कोरोना स्ट्रेन पर भारत, केंद्र ने कहा ब्रिटेन में मिले नए म्यूटेशन का देश में कोई केस नहीं, इससे वैक्सीन पर भी असर नहीं होगा। किसान आंदोलन का 27वां दिन, किसानों ने कहा हम ब्रिटिश सांसदों से कहेंगे कि वे गणतंत्र दिवस के लिए अपने पीएम को भारत आने से रोके। अब रुक करते हैं जिलों की खबरों की ओर। मध्यम ग्राम में व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, बेटे ने कहा भाजपा समर्थक होने के कारण मारी गई गोली, तृणमूल ने किया आरोपों से इनकार।
दबाव और वेतन कटौती के बाद भी एम्पायर में कार्य स्थगन से मजदूरों में भारी रोष। कहां मनमाने तरीके से मिल बंद कर प्रबंधन कर रहा है शोषण। इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार निधि गुप्ता की खास रिपोर्ट। बैरकपुर सिंपांचल की टीटागढ़ एम्पायर जूट मिल में कार्य स्थगन की नोटिस लगा दी गई है और इसके साथ ही मिल में काम करने वाले लगभग 2500 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगार तो ठीक है कि उनके सामने कई तरह की समस्याएं हैं। श्रमिकों का कहना है कि उनके ऊपर प्रोडक्शन बढ़ाने का दबाव दिया जा रहा है जबकि उस हिसाब से उन्हें वेतन नहीं मिलता। आइए इसके साथ ही श्रमिकों से ही बात करते हैं कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और वे अभी क्या चाहते हैं। ताकि हमारा मिल से एम्पायर मिल से ही एसआई कार्ड बने, इसके लिए प्रोडक्शन पर दिन चाँप आ रहा है। अब प्रोडक्शन मालिक बोल रहा है कि नहीं हो रहा है, उनका क्वालिटी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए मालिक पक्ष ही बंद किया है। सस्पेंस वर्क लिखा है, लगाया है नोटिस, सामने देखिए नोटिस लगा है। तो आप अगर माल मटेरियल बढ़िया नहीं दीजिएगा तो हम लोग कहाँ से माल मटेरियल बढ़िया निकालेंगे। मशीन चलाते हैं हम, चाइना का 6 मशीन चलाते हैं, सब जगह 4 चलता है लेकिन यहाँ हम लोग 6 चलाते हैं। कल का मौसम। महानगर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बादल छाए रहेंगे, ऐसे में ठंड का कहर जारी रहेगा। कल का पंचांग। विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्ट्रीट। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।